आप आ जाओ, वो जो तिलक लगाए हुए बैठे हुए हैं, चश्मा लगाए, तिलक लगाए, आ जाओ आ जाओ। आप लोग देखो कहाँ से आए, मेहंदीपुर से, चलो पूछो प्रश्न पूछो, हम बता दें। अशांति रहती है, कृपा होगी, आशीर्वाद कष्ट जैसे बना रहता, पत्नी पत्नी भी आपकी आई, पत्नी चालिका पत्नी भी साथ में आई, आशीर्वाद लेने आई हो, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद कार्य पूर्ण चलेगा, उन्नति होगी, जाओ हनुमान जी की कृपा होगी, आशीर्वाद। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ हाटी में, तो अभी चलते हैं दिव्य दरबार में, देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है, गुरु जी थोड़ी देर में बस आने वाले। आप आ जाओ, वो जो तिलक लगाए हुए बैठे हुए हैं, चश्मा लगाए, तिलक लगाए, आ जाओ आ जाओ। बोलो सीताराम, सीताराम, बोलो वीर बजरंग बली की जय। आप बैठ जाइए, दाता हारा, तुम हल्ला मत आते, फिर अभी भी दाता अगर ऊपर चले जाएंगे तो तुम फिर पीछे देखोगे। ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए आ गए, ये वाले। आप लोग देखो अशांति नहीं, आप राम का जाप करो, शांति बना करके रखो, अगर तुम फिर हल्ला करोगे तो विधाता हरे ऊपर चले, विधाता हरे ऊपर चले जाएंगे, फिर अभी भगवान इसीलिए नीचे उतर आए हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। आप लोग देखो हल्ला कर रहे हैं, ए भगवान जो हल्ला करे उसको बगल वाले की समस्या विधा देना, ये हमारी मांग है, अगर हम भगवान से मांगेंगे तो देंगे, तो है हल्ला न करना तुम सब। अबे रुक जाए पंडित जी, माइक ले लो भाई जी, भाई कहां से आए, मेहंदीपुर से, मेहंदीपुर हाटी, हाटी से कहा हो ना, क्या यहां का मोहल्ला कोई अलग है का? क्या है कि हम नए हाटी में है, अगर नए आदमी को बताया जाए, ऊपर कुछ बैठा है तो नया आदमी नहीं जानता, हम भी नए हैं, नए आदमी कहाँ से जाने, तुम स्वयं बताओ। हाटी में तो हम पहली बार आए हैं, भले आज चार दिन से रुक रहे हैं हम। बोलो सितारा, हमसे आप मिले तो नहीं हो, अपनी समस्या बताए तो नहीं हो, चलो पूछो प्रश्न पूछो, है हम बता दें। हे भगवान, तो तुम उसको तो खरा खुरूर बंद करो, माइक पास में कर लो ना थोड़ा जी। अशांति रहती है, कृपा होगी, आशीर्वाद कष्ट जैसे बना रहता, पत्नी पत्नी भी आपकी आई, पत्नी चालिका पत्नी भी साथ में आई, आशीर्वाद लेने आई हो, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद कार्य पूर्ण चलेगा, उन्नति होगी, जाओ हनुमान जी की कृपा होगी, आशीर्वाद। यही है, देखो जाओ कृपा, बीच बीच में थोड़ी शारीरिक कष्ट जैसे हो जाता है, उससे कोई बाधा वाधा नहीं है, कोई वो नहीं है, जैसे थोड़ी मन में वो जैसे आ जाता है कि कहीं कोई कोई कुछ कराया तो नहीं है, मतलब दवाई जैसे बीच बीच में दवाई जैसे भी सूट करना बंद कर देती है, तो कोई बाधा वाधा नहीं है, थोड़ी हल्की बीमारियाँ का हो कोई दिक्कत नहीं। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, इसमें हनुमान जी का मंत्र लिखे दे रहे हैं, जाप करना, धाम की पेशी जरूर करना। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। बोलो राम राम, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को भी नाम मिलेगा, और कुछ ना मिलेगा तो जैसी आराम तो मिलेगा ही। जिनका पर्चा बन चुका है लेमिनेशन करवा लेंगे, और हर मंगलवार को पेशी चढ़ती है 10 बजे से 12 बजे तक। देखो आज का कथा जो है जल्दी प्रारंभ करेंगे, समय कितना हो गया बताओ तुम सब, मान लीजिए 1:00 बजे, 2:11, तुम चिंता ना करना, अर्जी सबकी स्वीकार होगी, कम समय में अर्जी स्वीकार होगी और कम समय के अंदर कथा आज प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज का कथा का प्रसंग बड़ा है तो कथा जल्दी प्रारंभ करना पड़ेगा, और प्रसंग बड़ा है तो जल्दी विश्राम भी करना पड़ेगा, आज समय देख करके सब काम करना है, हर दिन तुमको देख के करते थे, भक्त आएंगे तो उनको कथा सुनाएंगे, तुम आज आओ सुनाओ, 7:25 में विश्राम कर देना है।
बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सिद्धेश्वर धाम की जय। सिद्धेश्वर धाम की जय। तुम सब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, बोलो ओम ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः नमः। ओम ओम सिद्धेश्वराय सिद्धेश्वराय नमः। ओम ओम सिद्धेश्वराय नमः। चलो अंगली जी स्वीकार हो गई, मुट्ठी खोल लो। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, सीताराम चंद्र भगवान की जय। बालाजी सरकार की जय। बालाजी सरकार की जय। दिव्य दरबार देखिए भी समापन हुआ है। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। जय सीताराम।